आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। देखिए किसानों की आज उनका ट्रैक्टर मार्च था, ट्रैक्टर रैली वहां पर गई हुई है और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में पूरे हिंदुस्तान से चल करके, न केवल हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इससे पूरे हिंदुस्तान से चल के किसान वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्होंने शांतिप्रिय तरीके से, एक दो जगह किन लोगों ने किया, कोई अड़चन थी रास्ते की साफ करने के लेकर के कोई बात हुई हो तो बात दूसरी, वरना शांतिप्रिय तरीके से। और मैं भी चाहता हूँ कि ये तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से कोई भी आंदोलन चले तो आंदोलन चलेगा और उस आंदोलन में किसान अपनी मांग के लिए आज भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको पिछले कितने दिन से भूख में, प्यास में, ठंड में, बरसात में, अपने हालात के मजबूरी के बावजूद भी वहाँ पर अपने काम के लिए अड़े हुए हैं। सरकार उनकी सुनना नहीं चाहती, रोज़ाना बुला करके ना एक बात कही जाती है। मैं समझता हूँ सरकार को तुरंत प्रभाव से इन तीनों काले कानून को वापस लेना चाहिए और किसान को जब ये लगता है कि हमारे हित में नहीं है तो सरकार को जिद नहीं करनी चाहिए। 12 जनवरी को जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ की डिमांड के लिए आंदोलन हुआ, उसमें आपका बहुत ही अच्छा समर्थन था, आप मंच पर भी गए और आपने जन समर्थन को, लोगों को, सभी को समर्थन दिया अपना, बहुत अच्छी बात। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों पर FIR हुई और FIR में आपका नाम नहीं आया, उसके बाद अभी तक आपका कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया इस विषय में। देखिए ऐसा है, मैं समझता हूँ जो उन्होंने केस दर्ज किए हैं, FIR दर्ज किए हैं, पहले तो मैं उनसे स्पष्ट तौर पे प्रशासन से मांग करता हूँ कि बिना किसी देरी के उनको वापस लिया जाए। उन लोगों ने एक शांतिप्रिय प्रदर्शन किया था, न कि किसी बात के लिए कानूनी अड़चन। तो ये बात प्रशासन को भी सोचनी चाहिए कि इस प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी को अपने हक और अधिकार को मांगने का हक है, तो ये गलत है और उनको वापस लेना चाहिए। ऐसा ही किसानों के खिलाफ भी जो केस दर्ज हुए हैं वो भी सरकार को वापस लेनी चाहिए। और हमारी जिला मुख्यालय की बात आज भी है, कल भी रहेगी और हम इसको, जिले को दो जिले बना करके तभी जा करके सांस लेंगे, तभी जाके हम रुकेंगे, तब तक हमारी ताकत इस बात के लिए आंदोलन करती रहे। इस विषय में क्या विचार है कि सामाजिक संगठन या फिर जो आम लोग थे उन पर ये FIR हुई, बाकी जो भी राजनीतिक संगठन थे, चाहे वो विपक्षी पार्टी थी या पक्ष पार्टी थी, इनमें से किसी भी नेता पर, कोई भी छोटा नेता, बड़ा नेता, किसी पर भी कोई FIR नहीं हुई, बाकी सभी आम लोगों पर FIR हुई? चलिए देखिए, ये तो प्रजातंत्र की प्रक्रिया है, जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने उस टाइम पे किसको देखा, उनके खिलाफ उन्होंने केस FIR दर्ज करा दी। मुझे इस बारे में पूरा नहीं पता है कि किस किस के खिलाफ FIR हुई है, एक बार मुझे जान लेने दें, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा। धन्यवाद। सर एक त्यौहार है आज, हाँ त्यौहार है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबको, भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ, सारे भाई बहनों को, पूरे प्रदेश और देश को, कि आज का जो गणतंत्र दिवस है उसके लिए सब लोगों को बधाई और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये देश तरक्की करे, यहाँ का जवान और किसान वो तरक्की करे, नौजवान तरक्की करे और ये देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे उन महान शहीदों ने इतने संघर्ष और लड़ाई और सेक्रीफाइस और शहादत के बाद ये दिन देखने के लिए दिया है, जब संविधान रचना करके इस संविधान को लागू करने की बात कही, जहाँ हर आदमी को अपने जीवन में जीने का, उसको बात करने का, अपने हक की मांग करने का अधिकार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।